शायद कैनेडियन फिल्म है, मैंने सुना था कि ज़्यादा अच्छी थी। म्यूज़िक ए आर रहमान की तो बहुत अच्छी थी, इसमें एक ही चीज़ थी अच्छी थी जो ए आर रहमान थे, और बाकी तो मैं 5 में से 2 स्टार देना चाहूँगी। फिल्म बहुत डिसअपॉइंट करती, बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया फिल्म में, और स्क्रिप्ट बहुत वीक थी, स्क्रीन प्ले बहुत वीक था। डायलॉग्स तो चलो ठीक है, गुलजार साहब ने संभाल लिया थोड़ा सा, लेकिन एक चीज़ सही होती है स्क्रीन प्ले में, जब आपकी कहानी अनरैप होती, कहानी आगे बढ़ती, तो कैरेक्टर के साथ साथ हम भी ग्रो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो हंस रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो रो रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मिल रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बिछड़ रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे बड़ी एक लव स्टोरी की हार नहीं हो सकती है, वो तब होता है जब स्क्रीन प्ले वीक। ओके, तो कितना फिल्म ने आपको बांध के रखा? फिल्म मेरे ख्याल से जो मेन लव स्टोरी थी वो नहीं बांध रही थी, जो एक पैरेलली सब प्लॉट में लव स्टोरी चल रही है, जो नसीर साहब की जो चल रही है, मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा था। एटलीस्ट उसमें इमोशन था, एटलीस्ट उसमें एक ग्राफ था जो अप एंड डाउन मुझे लेके जा रहा था। यहाँ तो कोई इमोशनल टर्मोइल ही नहीं था, सिर्फ कह रहे हैं कि पेन है, हमें पेन दिख नहीं रहा। यार रहमान साहब को पता है अपना काम कैसे करना, शिकायत म्यूज़िक से नहीं, शिकायत फिल्म से। म्यूज़िक वॉज गुड। 2। फिल्म वॉज गुड, एवरेज। ओके, कितने स्टार देने चाहिए? 2.5। ओके, इतने स्टोरी वाइज अगर बात करिए तो क्या कहना चाहेंगे? स्टोरी बहुत वीक थी, खाली कुछ सीन्स थे जो ओके थे, बट स्टोरी बहुत वीक थी। ओके, और आदित्य और चंदा के अगर काम की बात करिए तो क्या कहना? उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री भी रिफ्लेक्ट हो रही है फिल्म। ओके सर, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म अच्छी है, बट कहीं ना कहीं अगर आप आशिकी 2 जैसी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आदित्य श्रद्धा से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हो जाती है। यार रहमान वंस अगेन, आप यार रहमान की म्यूज़िक से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, इतना सोना है, और जो बाकी म्यूज़िक ट्रैक्स हैं बहुत हिट जा रहे हैं, तो ओवरऑल म्यूज़िकली तो बहुत अच्छी है। ओके, स्टोरी वाइज अगर तो आपको फिल्म ने बांध के रखा कि नहीं? फिल्म ने कहीं ना कहीं आपको बांध के, मतलब इतना नहीं कह सकते, एक वन टाइम वॉच कह सकते हैं आप, आपको उतनी जो एक्सपेक्टेशंस थी, बट समय डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट हाँ वन टाइम वॉच है। 3.5। अच्छा लगा मेरे को, अच्छा म्यूजिक भी अच्छा है उसके अंदर, देखने में अच्छा लगा। और कितना मतलब आपको फिल्म पसंद आई, कितनी? फिल्म में 70% पसंद आई, अच्छा है, फिर भी म्यूजिक अच्छा है उसका, और 3 स्टार देने चाहूँगा उसको। ओके, कैसी लगी सर फिल्म आपको? ओके, फिल्म बहुत अच्छी थी, म्यूजिक भी अच्छा था, मैं 3 स्टार देना चाहूँगा इस फिल्म को। ओके, अगर स्टोरी की अगर बात करिए तो कितना फिल्म ने आपको बांध के रखा है, पसंद आई आपको? हाँ बहुत पसंद आई फिल्म, 75% तक फिल्म अच्छी थी मेरे ख्याल से। फिल्म ठीक ठाक थी, बट उतनी एक्सपेक्टेशंस हम जो लेकर आए थे उतनी अच्छी नहीं लगी फिल्म मुझे। तो आपको लगता है मतलब आशिकी 2 से बेटर है या उससे? जी नहीं, आशिकी 2 जब आई थी तो एक ट्रेंड बन गई थी वो फिल्म, बट ओके जानू में उतना कुछ नया देखने को हमें नहीं मिला, वही एक जो घिसा पिटा सा स्टोरी चलती वैसे लगी हमें फिल्म। स्टोरी प्लॉट मुझे लगता है कि ठीक से सेट नहीं किया गया था, वरना एक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फिल्म में, नसरुद्दीन शाह को आप ले लीजिए, काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। ऑब्वियसली ए आर रहमान सर है तो उनकी म्यूज़िक बहुत अच्छी होती है, और इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छा और बहुत सोलफुल म्यूज़िक दिया है इसके लिए। मैं 3 स्टार्स दूंगा फिल्म को। फिल्म अच्छी लगी है, इसके गाने वाने एकदम बढ़िया है। ओके, फिल्म को अगर कितने स्टार देना चाहेंगे? 3 देने चाहिए। ओके, अगर स्टोरी की बात करिए तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ठीक ठाक लगी, किस तरीके से? क्या स्टोरी अच्छी है फिल्म में, और गाने भी अच्छे हैं उसके, सॉन्ग वगैरह। ओके सर, कैसी लगी फिल्म आपको? ओके जानवर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? हाय, दोनों की वापस से जोड़ी आई, दूसरी पिक्चर भी अच्छी है, पहली भी अच्छी थी आशिकी 2, दूसरी भी जोड़ी अच्छी है इनकी, और चलेगी आगे भी जोड़ी, अच्छी पिक्चर है, गाने सॉन्ग भी अच्छे, वेरी नाइस पिक्चर। ओके, फिल्म के कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 स्टार तो अभी कितने दूँ, अभी बोल नहीं सकते, लेकिन पिक्चर अच्छी चलेगी। वेलकम, एंजॉयड मूवी। कैसा लगा काम आपको एक्टर्स का? अच्छा था। कितने स्टार देना चाहेंगे फिल्म को? 3.5। स्टोरी वाइज अगर बात करिए तो कितना स्टोरी ने आपको बांध के रखा है, एंड क्या कहना चाहेंगे केमिस्ट्री वाइज? केमिस्ट्री अच्छी थी, वो पहले भी वो लोग काम कर चुके, अच्छी थी केमिस्ट्री। बेटर देन आशिकी 2? नो, नॉट बेटर देन आशिकी 2, बट इट वाज गुड, गुड एफर्ट। या स्टार कितने देना चाहिए? 3.5। इट्स वेरी गुड, इट्स एक्सीलेंट। इट्स लाइक
like too much relationship. Okay, आपको लगता है better than Aashiqui 2 है? What? Aashiqui 2 में Shraddha. Aashiqui 2 is the best. ये भी same है, same. Okay, it's good. Star कितने देना चाहिए? Out of 5? Yeah. 4 point something 4. What's the film? It was good. Okay. Last was? Aashiqui 2 से better film लगी आपको? Aashiqui 2 एक pure romance था. ये modern romance का था. दोनों अपने जगह पे better है. और ये भी बहुत अच्छा लगा. Okay, तो story में तो कितना story ने बांध के रखा? Story ने कितना बांध के रखा आपको film में? बहुत मतलब waiting. बीच interval के बाद बहुत ही अच्छा हो गया movie. कितने star देना चाहिए? 4.5 Okay, music क्या बात की है? Music बहुत अच्छा था. X factor था movie का. It was a very nice film. Okay, so story में अगर बात करें तो कैसी लगी story आपको? Story अच्छी थी पर love story तो मतलब end में जैसे मैंने बोला happy ending ही रहेगा end में. So लगता है कि Aashiqui 2 से better थी या Aashiqui 2 ज़्यादा better थी? नहीं Aashiqui 2 एक फर्स्ट मूवी थी इसलिए केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखी पर सेम केमिस्ट्री इसमें मतलब अच्छा लगा है मूवी देखने के. म्यूजिक की बात करिए तो कैसी लगी? यार रहमान बेस्ट म्यूजिक. ओके एंड कितने स्टार देना चाहिए? 4 stars. थैंक यू.